अगली खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी फैल गई है, जहां पर इंडिगो मैनेजर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मैनेजर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में कानून का इकबाल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, जहां पर खुलेआम बदमाश फायरिंग कर देते हैं और किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। बाइक पर सवार अपराधियों ने रूपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई है। रूपेश कुमार पर एयरपोर्ट से वापस घर लौटते वक्त बदमाशों ने बड़ा हमला किया है, जिसके बाद अब हलचल शुरू हो गई है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सियासी हमला बोला है। ऐसे में साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र किया है कि आखिरकार पटना में इस तरीके की वारदात को कैसे अंजाम दे जाते हैं, सरकार और पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। बिहार की राजधानी में एक हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कल पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार अपराधियों ने रूपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। नवारदर्त शास्त्री नगर थाना अंतर्गत इलाके में स्थित कुसुम विला अपार्टमेंट की है। बताया जा रहा है कि रूपेश कुमार एयरपोर्ट से घर वापस लौट रहे थे और उसी दौरान उन्हें गोली मारी गई। इस गोलीकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की है। फिलहाल घायल अवस्था में रूपेश कुमार को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही यहां पर अक्सर सामने आती है। ऐसे में जो बदमाश हैं वो इतने बेक ऑफ हो गए हैं कि किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसके बाद पुलिस सिर्फ जांच का ही आश्वासन देती है। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इंडिगो मैनेजर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, मैनेजर की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में कानून का इकबाल तो खत्म ही हो चुका है। ऐसे में बाइक सवार अपराधियों ने रूपेश कुमार पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद रूपेश कुमार को पुलिस ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। ऐसे में अब सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि आखिरकार इस तरीके की लापरवाही कब तक बरती जाएगी कि किसी को भी बदमाश मौत के घाट उतार देते हैं, उसके बाद भी कोई काम यहां पर सरकार नहीं कर रही है। इस वक्त की ताजा और अहम खबर आप तक न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पहुंचा रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।